हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अल्फा एडेडियम गार्डन में। ये देखिए दोस्तों, लगभग मेरे सारे एडेडियम आप देख सकते हैं एक साइड में हैं। और चलिए हम बारी बारी से सबसे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसे देखिए दोस्तों, जब हम बाहर थे, जब आए थे, इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं देख रहे थे, तो हमको इसको काटना पड़ा क्योंकि फंगस लग रहा था इसके ऊपर से। और ये देखिए, जिसे मैंने ग्राफ्ट किया था, इसका कोडेज देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और हम एक बात बताना चाहेंगे कि आपके ग्राफ्टेड के नीचे अगर कोई भी ब्रांच निकल रहा था, आप उसे काट दीजिए, नहीं तो वो आपके ग्राफ्ट को ग्रोथ करने से क्या करेगा, रोकेगा। इसे देखिए दोस्तों, जब मैंने छाटा था उसके बाद का रिजल्ट है। मैंने एक काटा और इतना सारा रिजल्ट आया एक ब्रांच में। ये देखिए, कितने सारा है ये ग्राफ्टेड वाला है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर ये हुआ जब मैंने छाटा था तो। कितना बूसी हुआ है, जब ये खिलेगा तो इस तरह से खिलेगा जिस तरह से आप देख रहे हैं। इन सब में मैंने काटा है, नीचे से बहुत सारा ब्रांच था जो अच्छा नहीं लगा था, हम काट दिए उसे। इसे भी देख सकते, बहुत सारा निकला हुआ था जिसे हमें काटना पड़ा। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा खिला हुआ था मेरे नहीं रहने पर। और ये देखिए, सीड्स भी इसमें हो रहा है। ये देखिए, मैं ये रोजी है, इसमें कली भी आया हुआ है। कली आना सब में शुरू हो गई, देख सकते हैं, सबके में कली आना शुरू हो गया बिना पत्ते का। एक तो कली इतने बड़ा भी हो गया। और इसमें अब आपको क्या करना है, ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर खिला हुआ डेडिकेटेड एडेनियम है, कितना अच्छा खिला है। इसमें देखिए, तीन था, कितना सारा ब्रांच हो गया एक साथ। हाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए, इसमें हुआ जो काटना पड़ेगा हमको, ये ग्राफ्टेड पोर्शन है मेरा। ये ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे क्या है, ये शुरू हो गया निकलना। आप इसे नहीं काटेगा तो इसका ग्रोथ क्या होगा, स्लो हो जाएगा और सारा एनर्जी आप ये ले लेगा क्योंकि नीचे है ग्राफ्टेड का। इसे काट दीजिए, अभी हम इसे काटेंगे। ये मेरे बेबी एडेनियम का है जो मैंने रिपोर्ट किया। इनका देखिए, कितना सारा ब्रांच आ गया है, ये कितना सुंदर लग रहा है। एक साइड तो एडेनियम ज्वाइंट। और हम बता रहे थे दोस्तों कि अब आप क्या कीजिए, आप अपने एडेनियम में DAP पोटास डालना शुरू कर दीजिए। और इसका रेशियो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे खुद डाल करके। और फिर भी हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आपका बड़ा गमला है जिससे कि इतना बड़ा है, तो आप इसमें छोटा चम्मच से आधा चम्मच पोटास 10-12 DAP आप डाल दें।
और जब भी आप कोई फर्टिलाइजर अपने प्लांट को दें एडेनियम में, तो उसका मिट्टी पूरी सूख जानी चाहिए, पूरी सूखी होनी चाहिए, मतलब एक सप्ताह छोड़ दीजिए, पानी मत डालिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, मिट्टी को साइड से खोद लीजिए, और जब भी आप डालें तो कोडेक्स के नज़दीक कभी मत नहीं डालिएगा, साइड में डालिएगा, साइड में, नहीं तो आपका प्लांट एडेनियम गलने का भी शुरू हो सकता है। मेरी कुछ एडेनियम जो बालकोनी में है, इनका अपडेट देखिए, इसका भी देखिए, जो कली आया खिलना भी शुरू हो गया है, और ये देखिए वापस देखिए इतने सारा ब्रांच आया हुआ है। ये मेरे एडेनियम नहीं कटने का कारण है कि ये देखिए इसके अंदर बीज हो रहा था रोजी वेराइटी का, इसका होने के लिए ये ग्राफ्टिंग के प्रोसेस से खिला हुआ है। कितना सुंदर, कितना प्यारा खिला, इसके अंदर देखिए कितने सारे ब्रांच नए नए। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई जानकारियों के साथ, और जो मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।